तो रोटी हमारी पक चुकी है, अब हम आपको इसको एक प्लेट में निकाल के दिखाएंगे। और गैस को कर दीजिए बंद, क्योंकि रोटी हमारी पक चुकी है। देखिए आप किस तरह से यह देखने में लग रही है। गैस को कर देते हैं बंद, अब करेंगे इसकी प्लेटिंग। तो रोटी को अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देख लीजिए आप कैसी लग रही है रोटी देखने में। ये बहुत ही कुरकुरी बनी है, बहुत ही कुरकुरी और टेस्टी बनी है। इसको आप जैसे भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं, या फिर आप इसको कोई चटनी उटनी के साथ भी खा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने थोड़ा सा प्याज जो बचाया था, प्याज और मिर्चा, उसको इसमें हम डाल देंगे। और थोड़ा सा मैंने सेव लिया था, जिसको मैंने आपको दिखाया था सेव को, कि सेव को डालकर हम इसको अच्छे से गार्निश कर लेंगे। ये है रात की बची रोटी से बिल्कुल ही कुरकुरा नाश्ता। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके साथ बिल्कुल ही नई रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। किसी भी चैनल में आपने इस रेसिपी को नहीं देखी होगी। रात की बची हुई रोटियां हैं, जिसको हम हमेशा फेंक देते हैं, कुत्ते को खिला देते हैं, गाय को खिला देते हैं। लेकिन आज इस रोटी से मैं आपको बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा नाश्ता बना के दिखाऊंगी। और आप इस रेसिपी को देखने के बाद रात की बची हुई रोटियों को कभी नहीं फेंकेंगे। तो चलिए मैंने क्या क्या लिया है मैं आपको दिखाती हूँ। ये रात की बची हुई रोटियां हैं। थोड़ा सा मैंने प्याज और मिर्चा काट लिया है और थोड़ा सा मैंने सेव लिया है। अब हम इन रोटियों को काट लेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इस रोटी को कैसे काटूंगी। तो सबसे पहले इस रोटी को इस तरह से लेकर इसे फोल्ड कर लेंगे। रोटी को इस तरह से आप फोल्ड कर लीजिए। अब एक चाकू लीजिए या कैंची भी आप ले सकते हैं और इसको बिल्कुल लंबे आकार में काट लेना है। मैं जिस तरह से काट रही हूँ आप उस तरह से ही काट सकते हैं, या आपको जिस तरह का शेप देना है उस तरीके से आप अपने अनुसार इसे काट सकते हैं। तो मैंने इसे इस तरह से काटा है, आप देख लीजिए मैंने इसे इस तरह से लंबे लंबे आकार में काटा है। अब मैं सारी रोटियों को इसी तरह से काट लूंगी। सारी रोटियों को मैंने काट लिया है। आप चाहे तो इसे जैसे भी काटना चाहे काट सकते हैं, मैंने तो इस तरह से काटा है। तो आप देख लीजिए मैंने सारी रोटियों को काट लिया है इस तरह से लंबे लंबे आकार में मैंने इसे काटा है। अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो मैंने एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है, चलिए आपको दिखाती हूँ। तो कढ़ाई मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम तेल डालेंगे। इसमें हम सरसों का तेल का ही यूज करेंगे। रिफाइन ऑयल बिल्कुल ही यूज नहीं करेंगे। तो आप देख लीजिए मैंने सरसों का तेल लिया है। तेल को थोड़ा सा गर्म होने दीजिए। जब भी हम सरसों तेल का यूज करते हैं तो तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, मैंने गैस को बंद कर दिया था, फिर से मैं इसे चालू कर लूंगी। और मैं तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें प्याज को डाल देंगे। प्याज को डालकर हमें अच्छे से पका लेना है। मैंने थोड़ा सा प्याज बचा के रखा है आगे गार्निशिंग के लिए। तो प्याज को अच्छे से पका लीजिए, प्याज को एकदम ब्राउन होने तक पका। मैं इसमें थोड़ा सा मसाला डालूंगी। मसाला में मैंने ज्यादा कुछ नहीं लिया है, थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर लिया है ताकि इसका कलर जो है बहुत अच्छा दिखे। ये बनने के बाद बहुत ही कुरकुरी लगेगी। और मैंने नमक लिया है, नमक को आप अभी ही डाल दें ताकि ये रोटी में अच्छे से मिक्स हो जाए। बस मैंने दो ही चीज लिया है, हल्दी नमक और प्याज मिर्चा, चार चीजें ही मैंने ली है। ये हल्दी को आप और नमक को थोड़ा सा भून ले और इसके बाद इसमें आप रोटी को डाल दें। मैं इसमें थोड़ा सा मसाला डालूंगी। मसाला में मैंने ज्यादा कुछ नहीं लिया है, थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर लिया है ताकि इसका कलर जो है बहुत अच्छा दिखे। ये बनने के बाद बहुत ही कुरकुरी लगेगी। और मैंने नमक लिया है, नमक को आप अभी ही डाल दें ताकि ये रोटी में अच्छे से मिक्स हो जाए। बस मैंने दो ही चीज लिया है, हल्दी नमक और प्याज मिर्चा, चार चीजें ही मैंने ली है। ये हल्दी को आप और नमक को थोड़ा सा भून ले और इसके बाद इसमें आप रोटी को डाल दें। तो मेरा मसाला पक चुका है, अब हम इसमें रोटी को डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देख लीजिए रोटी हमारी किस तरह से मैंने काटी थी। सारी रोटी को आप इसी तरह से इसमें डाल दीजिए और इसको 5 से 10 मिनट तक
फ्राई कर लीजिए। ये रोटी बनने के तो सारी रोटी को आप इसी तरह से अच्छे से मिक्स कर ले और इसको चला ले। आपको इसी तरह से चलाते रहना है और इसको फ्राई कर लेना है। तो रोटी हमारी पक चुकी है, अब हम आपको इसको एक प्लेट में निकाल के दिखाएंगे। और गैस को कर दीजिए बंद क्योंकि रोटी हमारी पक चुकी है। देखिए आप किस तरह से यह देखने में लग रही है। गैस को कर देते हैं बंद, अब करेंगे इसकी प्लेटिंग। तो रोटी को अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देख लीजिए आप कैसी लग रही है रोटी देखने में। ये बहुत ही कुरकुरी बनी है, बहुत ही कुरकुरी और टेस्टी बनी है। इसको आप जैसे भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं या फिर आप इसको कोई चटनी उटनी के साथ भी खा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने थोड़ा सा प्याज जो बचाया था, प्याज और मिर्चा, उसको इसमें हम डाल देंगे। और थोड़ा सा मैंने सेव लिया था जिसको मैंने आपको दिखाया था, सेव को, इस सेव को डालकर हम इसको अच्छे से गार्निश कर लेंगे। ये है रात की बची रोटी से बिल्कुल ही कुरकुरा नाश्ता। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताएं।